तो राम राम सभी दोस्तों को दोबारा साथ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ में। और इस वाले वीडियो में हमारे साथ में खेल रहे थे अपने प्यारे करण भाई। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारे न्यू फ्रेंड नहीं है, मैं पहले भी इनके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये हमारे क्लासमेट है। और लिटरली भाई ये बंदा शायद मेरे से पहले से खेल रहा है, बट इनको पता नहीं था कि मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं पहले से खेलता था ये गेम। और पहले मतलब मैंने बीच में छोड़ दिया था इसको खेलना, बट इनको बाद में पता लगा है, लिटरली इनको पता नहीं था यार। जस्ट मैं बताऊँ तो मैं इनसे ओल्ड प्लेयर हूँ, लेकिन खेलने में मेरे से सीनियर ये है, बिकॉज इनका लेवल अप है एंड इनका गेम प्ले भी अप है। और एक मेन चीज़ ये है कि ये एक बहुत अच्छे प्लेयर है। एंड लिटरली यहाँ पर क्या हुआ था हमारे साथ में, यहाँ पे बहुत तगड़ा सीन हुआ था भाई। लास्ट तक आते आते हम लोगों ने बहुत सारे किल्स यहाँ पर कर लिए थे, यानी कि तो दोनों ने मिलाकर के हम लोगों ने आई थिंक 8-9 किल कर लिए थे। एंड लिटरली भाई करण भाई के आई थिंक ज़्यादा किल्स थे मेरे से, एंड अभी आप लोगों को पता लग जाएगा कितने किल थे भाई, मैंने शायद ज़्यादा बता दिया, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पर देखते क्या होता है। एंड यहाँ पे एक जो बंदा था जो करण भाई को डैमेज दे रहा था इधर से, और यहाँ पे इस बंदे को मैंने हेडशॉट मारने की ट्राई की बट नहीं हुआ, और यहाँ पे लास्ट में इसको हेडशॉट के साथ में मैंने डाउन कर दिया, और यहाँ पर इसको फिनिश भी हो गया। एक देखो यहाँ पे एक चीज़ हुई कि ये बंदा डाउन नहीं है, तो यानी कि ये लास्ट बंदा था अपने स्क्वाड का, यानी कि हम लोग ओनली डुओ वर्सेस डुओ खेल रहे थे, क्योंकि करण भाई को रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक चीज़ अलग है कि ये रिस्क लेके कस्टम में खेलते हैं, बट ये नॉर्मल यानी कि जो सीरियस मैचेस होते हैं, जैसे कि हो गया अपना एंड BR रैंक हो गया, CS रैंक हो गया, इन मैचेस में ये रिस्क लेके बिल्कुल भी नहीं खेलते। अब सामने की तरफ में दो डुओज थे, तो यहाँ पे एक बंदे को फिनिश करना बनता था, क्योंकि ये जो लास्ट वाला बंदा था ना, मतलब लास्ट वाला तो नहीं, ये शायद आखिरी दूसरी स्कोर थी जो कि हमारे अलावा बची हुई थी। अब यहाँ पे मेरे पूरा घूम के चला गया, क्योंकि मैंने करण भाई को बताया तो नहीं था, क्योंकि ये माइक ऑन नहीं कर रखे थे, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हुई भाई। यहाँ पे माइक ऑन करके रखना चाहिए यार। अब कोई बात नहीं, यहाँ पर ये जो बंदा था ना, ये इधर आया, लेकिन इसको मैंने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और हुई कि इसका जो टीममेट था, इसका टीममेट भी जोन में अटक गया। लेकिन यहाँ पे इस बंदे को मैंने 99 के हेड के साथ में बहुत अच्छा खासा डैमेज दे दिया, लेकिन बंदा देखो चंट, देखो कितना दिमागदारी बंदा था भाई साहब ये। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बंदा तो मैं छोड़ के आ गया कि यार बंदा आएगा तो इधर ही ना, जोन में ही तो आएगा। अब यहाँ पे करण भैया जो हमारे थे ना, यहाँ पे इन्होंने एक बंदे को बहुत ही बढ़िया तरीके से डाउन कर दिया, और दूसरी चीज़ हमने इस बंदे को फिनिश भी कर दिया था। लेकिन इसका जो टीममेट था ना भाई, वो टीममेट बहुत ही ज़्यादा साथी था, जिसको देखते हुए यहाँ पे ये बंदा भी फिनिश हो गया। यहाँ पे मेरे हो चुके थे 5 किल, करण भाई हो चुके थे 4 किल, सीधी सी बात है ये हो चुके थे डाउन, क्योंकि इनके 3 सेकंड का काउंटडाउन हो चुका था खत्म। यानी कि भाई दोनों ने एक रूल लगा लिया यार। लेकिन अभी यहाँ पे बचा था सिर्फ एक बंदा, जो बंदा कहाँ पे मिलता है आप लोग खुद देख लेना भाई। वो बंदा अपने टीममेट को आई थिंक रिवाइव देने के लिए आ रहा था, बट उसके पास टोकन कम पड़ गए थे, या फिर वो एक न्यू प्लेयर था, ये चीज़ मैं सोच रहा था। अब पता नहीं यहाँ पे क्या सीन होता है। आप देखो यहाँ पे थोड़ी सी देर बाद में आपने वेस्ट को रिपेयर करता हूँ, एंड वो बंदा मुझे सामने की तरफ में दिखता है। दिखने में तो ये बंदा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये बंदा पास में आया ना, तो मेरे को पता लगा कि ये बंदा किस लेवल का बंदा है। यानी कि मैंने इस बंदे को जस्ट रिस्पेक्ट नहीं किया था, बट ये बंदा इतना ज़्यादा बढ़िया खेला भाई लास्ट में आकर के। मतलब एक चीज़ मैं बताऊँ तो ये तो हम लोगों ने किया था, दोनों बंदे हम लोग जिंदा थे, लेकिन ये बंदा लास्ट तक बच के तो कहीं तक तो आ गया। आई थिंक इस बंदे ने अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया था, ये सोच के आप लोग आगे निकल गए। और इसका टीममेट जिसको शायद अपने करण भाई ने फिनिश कर दिया था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी हुई कि भाई साहब जो अपने करण भाई है, उनको MVP नहीं मिल पाई भाई। MVP तो आप मिल गई थी, लेकिन इससे पिछला मैच था उनमें करण भाई को MVP मिली थी, एंड लिटरली उस वाले मैच में मैंने एक भी किल नहीं किया था। अब यहाँ पे जो 4 किल, यानी कि 4 जो बंदे बचे हुए थे, इसका एक टीममेट था एंड इसका जो है दूसरा बंदा जो खुद था है। लेकिन भाई हमारे पास भी एक आइडिया था कि हम लोग जो है ब्रिज के ऊपर चढ़ जाएँ, एंड ब्रिज के ऊपर चढ़ करके हम लोग इस बंदे को इजीली जोन में आने से रोक सकते हैं। लेकिन वही सीन था ना भाई, इसका जो टीममेट था वो एलिमिनेट हो चुका था, एंड यहाँ पे ये बंदा आखिरी बचा था। अब पूरे की पूरी जिम्मेदारी इस बंदे के ऊपर थी, लेकिन वो बात अलग है कि ये बंदा जो है बुइया नहीं ले पाया था, क्योंकि ये बंदा फंस गया था यहाँ पे। फंसा नहीं था भाई, इसको फंसाया गया था भाई लिटरली यार। अगर ये बंदा थोड़ा सा आगे के साइड आ जाता पहले ही, तो आई थिंक ये बंदा बच सकता था। अब यहाँ पे इसको 72 के हेड के साथ में मैंने रोक लिया वहीं पे, लेकिन नेर तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास बीस्टन नहीं था, हमारे पास था फाइलकोन कैरेक्टर जो कि लैंडिंग कराने में मदद करता है भाई। लिटरली मैं भूल गया था यार, क्योंकि हमने जो करण भाई है उनके पास भी शायद फाइलकोन कैरेक्टर था, बट यहाँ पे इस बंदे का हमने ग्लू होल तोड़ने की ट्राई किया, और वो फाइनली हम लोगों ने कर भी दिया। लेकिन इस बंदे के पास में नायरी कैरेक्टर था भाई। अब जो अपने करण भाई है ना, वो अलग ही थे भाई साहब। अब उनके पास में स्काइलर कैरेक्टर था, तो उन्होंने स्काइलर कैरेक्टर का यूज़ इस बंदे के ऊपर कर दिया, एंड लिटरली मेरे को दिख भी रहा था वो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीन मैटर थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि इस बंदे का जो है ना, यहाँ पे थोड़ी सी देर बाद में इन्होंने जो है स्काइलर का यूज़ किया था। लेकिन बात तो सही थी भाई, इन्होंने स्काइलर का यूज़ तो किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने उस बंदे को नोकिया कैरेक्टर ऑन कर दिया भाई। अब मैं फटाफट से बोला कि करण भाई जल्दी से जल्दी अपना जो स्काइलर है उसको यूज़ करो। अब उन्होंने सुन लिया था आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़िया देखी थी। लेकिन यहाँ पे बंदा पता नहीं क्या करना चाहता था। अब इसको हेडशॉट के साथ में मैंने नॉक कर दिया, एंड इसको यहाँ पे फिनिश करके हम लोगों ने बुइया भी ले लिया।
इसी के साथ में आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। पता है वो छोटी वीडियो है, लेकिन भाई थोड़ा मैनेज कर लो यार आज की वीडियो में। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी दोस्तों को, और शायद कल आपको एक सोलो वर्सेस स्पोर्ट का गेम प्ले देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी दोस्तों को।